हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम क्रिश। जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, मैं आज आप सबके लिए बहुत ही अच्छा हेयर मास्क लेके आई हूँ जो आपके हेयर को बहुत ज़्यादा बाउंसी बनाएगा, सिल्की बनाएगा और आपके हेयर है उसको स्मूथ भी बनाएगा एंड जो एक होता है ना कि बाउंस आती है, नेचुरल बाउंस, वो लाएगा आपके हेयर में। तो ये जो हेयर मास्क है ये आपकी हेयर की ये जो प्रॉब्लम होती है ना जिससे नॉर्मली ड्राई हो जाते हैं बाल आपके, वो नहीं होगा, वो उसकी ट्रीटमेंट है ये पूरी और इसको नेचुरली बाउंस देगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये हेयर मास्क बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, हेयर पैक स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक एग। इसको फेंक लीजिए अच्छे से, फोक का यूज कर रही हूँ मैं, फोक से अच्छे से फेंक जाता है ये। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हनी। हनी आपको एक टीस्पून ही ऐड करना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जन भी आप ले सकते हैं। इस सबको आपको अच्छे से मिला लेना है इसको, ताकि ये पैक अच्छे से रेडी हो जाए। ये पैक हमारा रेडी है लगाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं लगाना। गाइस, मैंने इसमें ऐड किया है एग। एग हमारी जो हेयर होती है वो प्रोटीन से बनी होती है और एग में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। एग जो होती है वो हमारी हेयर को एक नेचुरल बाउंस देता है और एग के यूज़ से हमारी जो हेयर है उसमें एक नेचुरल शाइन भी आ जाती है। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हमारी हेयर को नरिश करता है, ये हमारे हेयर लेंथ को बढ़ने में हेल्प करता है और हेयर फॉल को रोकता है। और नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है हनी। हनी हमारे हेयर को मॉइस्चराइज करता है, उसको मॉइस्चर देता है और वो हमारी हेयर को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। ये जो हेयर पैक है आप इसे लगा रहे हैं तो इसको आपको रूट से लेके लेंथ तक लगाना है। ये आपको कहीं भी ऐसा नहीं कि सिर्फ लेंथ लेंथ में लगा लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। इसे आपको रूट से लेके लेंथ तक लगाना है। उसके बाद इसे अच्छे से मसाज कीजिए। ये पूरा मेरा पैक लग गया है, अब इसको आप ऐसे ही रख दीजिए। इसे आपको पूरे के पूरे 1 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद इसे आप माइल्ड शैम्पू से वॉश आउट कर लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे जो हेयर है ये मैंने अभी वॉश कर लिए हैं, ये मैंने अभी कंडीशनर अप्लाई नहीं किया है। इसमें एकदम सॉफ्ट और शाइनी लग रहे हैं, बाउंसी भी लग रहे हैं, बहुत अच्छे से एक नेचुरल शाइन आई है। आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोज़ के अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।